हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियाज एंड व्लॉग्स। ये एक और व्लॉग है पटना से। बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरा। तो टाइम हो रहा है लगभग 4 बजे के आसपास और काफी बिजी शेड्यूल में यहाँ पे आए थे पटना शादी अटेंड करने के लिए। शादी का वीडियो उम्मीद है आप देखे होंगे, आपको पसंद आया होगा। तो फिलहाल रात भर शादी अटेंड करने के बाद लौटे हैं। बहुत ज्यादा टायर्डनेस है, पर मम्मी बोल रही थी कि बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कहीं से घूम के आते हैं। तो फिलहाल ये निकल रहे हैं यहाँ से और स्टेशन के पास हनुमान मंदिर है, ये तो आपको पता है, वहाँ तो दर्शन करेंगे ही हनुमान जी का। और साथ ही साथ वहाँ पे पास में ही पटना इस्कॉन टेम्पल भी है, तो वहाँ भी जाएंगे और आपको इस्कॉन पटना का दर्शन भी करवाएंगे और घुमाएंगे भी। पटना में जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वो पटना जंक्शन के एकदम करीब है, तो जस्ट वॉकिंग ही हम लोग पहुँच जाते हैं हनुमान मंदिर जो है, महावीर मंदिर। तो वॉकिंग ही जा रहे हैं, स्टेशन को पार कर रहे हैं। बाकी सभी घर में है क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए, तो सभी रेस्ट कर रहे हैं। मैं सौर्य और मम्मी जा रहे हैं सिर्फ। तो ये तो जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा कि स्टेशन के यहाँ से दिखाई तो देता ही है महावीर मंदिर। यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं यही है महावीर मंदिर, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग। बस सीढ़ी से उतर के इस पार आ चुके हैं और इस पार ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे देखिए तिरंगा झंडा फहराते हुए बड़े ही शान से, बड़ा ही मन को बहुत ही एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। और इस तरफ में देखिए हनुमान मंदिर है, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, जूता चप्पल रखते हैं और सीधा चलते हैं अंदर। ये 4-5 साल पहले इस तरीके से व्यवस्था नहीं था, मगर अभी रिसेंट किया गया क्योंकि भीड़ जो है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए प्रणाम करते हैं और अंदर चलते हैं दर्शन के लिए। ये मेन गेट है मंदिर का, जो कह सकते हैं द्वार वो वाला, और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। चलिए लाइन में लग जाते हैं, दर्शन करते हैं, आप भी दर्शन कीजिए। ये छोटका मेरे सामने है और देखिए यहाँ पे श्री रामचंद्र जी और उनका पूरा परिवार यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए दीवालों पे जो लिखा हुआ है, ये लास्ट वीडियो में भी मैं बताया था, अगर आपको याद होगा देखिए दर्शन कर लीजिए। और अगर लास्ट वीडियो नहीं देखे है तो मैं लिंक डाल दूंगा, आपको वहाँ से देख सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी वहाँ पे जानकारी मिली थी। और यहाँ पे ये देखिए घंटा है, चलिए बजा देते हैं घंटा जी टंग। चलिए अब सीधा चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे सबरी मैया है और राम जी हैं बेर खिलाते हुए। यहाँ भी फोटो सेशन चल रहा है, ये लोग सभी फ़ोटो खींच रही हैं। साइड से हम लोग भी ले लेते हैं एक छोटा सा क्लिप। और देखिए नेक्स्ट वाले में महाभारत का दृश्य, श्री कृष्ण हैं, अर्जुन हैं, उनको एक तरह से कह सकते हैं गीता ज्ञान का उपदेश देते हुए। यहाँ पे माता रानी, जगत जननी जगदम्बा जी। और ये देखिए एक मंदिर बन रहा है, रामायण मंदिर विराट। ये बहुत दिन से ये प्रपोजल वहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये इस तरीके का एक सैम्पल कह सकते हैं या मॉडल कह सकते हैं वो रखा हुआ है और ये बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये भोलेनाथ जी हैं। तो यहाँ पे भी लास्ट टाइम जब आए थे तो कुछ ना कुछ हो रहा था, मतलब अभिषेक हो रहा था। अभी तो शायद अभिषेक हो चुका है और ये आरती चल रहा है अभी ये भोले बाबा। और ये फर्स्ट फ्लोर से सामने का गेट दिखाई देता है इस तरीके से, राम लक्ष्मण और सीता मैया और कोई गुरु जी हैं। और ये देख लीजिए सामने से भोलेनाथ और बगल में बैठी हैं हमारी मैया, गौरी मैया या कहें पार्वती मैया, सब तो एक ही स्वरूप है। मंदिर के ऊपर से प्लेटफॉर्म का ये दृश्य दिखाई देता है और ये बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड और हमेशा बिजी रहने वाला लोकेशन है। यहाँ पे इतना गाड़ी है, इतना गाड़ी है, क्या कहें। प्लेटफॉर्म के ऊपर महात्मा बुद्ध का ये देखिए दृश्य बना हुआ है और सामने मंदिर में भी एक महात्मा बुद्ध का इस तरीके से लगा हुआ। मंदिर द्वारा जो सब संचालित संस्थान है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स है और यहाँ पे जो सामाजिक कार्यक्रम चलता है मंदिर के तरफ से वो उसके बारे में भी डिटेल्स दिया गया। तो फिलहाल द्वार बंद हो गया है क्योंकि टाइम हो गया है भोग का। कहाँ क्या करेगा लेके दादी पढ़ रही है तो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। तो याद है दादी ऐसी पढ़ने की पूरा देख रहा नहीं याद करके। दरवाजा खुल चुका है, भूख का टाइम कंप्लीट हो गया है। चलिए प्रणाम करके निकलते हैं मंदिर से बाहर और आपको लेके चलते हैं इस्कॉन टेंपल, मगर वो चलेंगे अगले वीडियो में। थोड़ा हम लोग गुम भी हो गए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।